नमस्कार, मैं नित्यानंद सिंह बेसिक जी के 99 परिवार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो देखते हैं आज की पहली घटना। तो करते हैं शुरू 1576 आज के ही दिन महाराणा प्रताप और मुगल शासक अकबर के बीच हल्दीघाटी का युद्ध शुरू हुआ था। 1576 आज के ही दिन यानी 18 जून महाराणा प्रताप और मुगल शासक अकबर के बीच हल्दीघाटी का युद्ध शुरू हुआ था। 1802 आज के ही दिन जिएलांग को वियतनाम में गुयेन वंश के पहले सम्राट के रूप में ताज पहनाया गया था। 1812 आज के ही दिन अमेरिकी सेना और ब्रिटेन के बीच युद्ध शुरू हुआ था। 1815 आज के ही दिन वाटरलू की जंग में नेपोलियन की सेना ब्रिटेन को हराया था। 1817 आज के ही दिन यानी 18 जून को लंदन स्थित टेम्स नदी पर बना वाटरलू ब्रिज खोला गया था। जैसे कि ये चित्र में आप सब देख सकते हैं, ये वाटरलू का ब्रिज है। 1837 स्पेन ने नया संविधान को अपनाया था। 1842 एक प्राथमिक स्कूल प्रणाली स्वीडन में शुरू की गई थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेज सेना के साथ लड़ाई में वीरगति को प्राप्त 1858 आज के ही दिन यानी 18 जून को प्राप्त हो गई। पुनर्बीमा संधि पर जर्मनी और रूस ने 1887 यानी आज के ही दिन 18 जून को हस्ताक्षर किया था। सबसे पहले रोसेबेरी युगांडा एक ब्रिटिश संरक्षण घोषित किया गया। कब घोषित किया गया? 18 जून 1894। 1897 क्योटो विश्वविद्यालय ऑफिशियलमेंट जापान में स्थापित किया गया। 1913 अरब कांग्रेस खुली, जिसके दौरान अरब राष्ट्रवादियों ने ओटोमन साम्राज्य के तहत वांछित सुधारों पर चर्चा की। 1941 आज के ही दिन तुर्की ने नाजी जर्मनी के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया था। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की अगुवाई में गोवा में पुर्तगाल के शासन के आज़ादी के लिए पहला सत्याग्रह आंदोलन 1946 आज के ही दिन शुरू किया गया था। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 18 जून को पारित हुआ था। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारे द्वारा अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। 1972 आज के ही दिन ब्रिटिश यूरोपियन एयरवेज का जहाज़ खुले मैदान में गिरा। 1979 आज के ही दिन अमेरिकी राष्ट्रपति जिम्मी कार्टर एवं सोवियत राष्ट्रपति ब्रेजनेव द्वारा साल्ट द्वितीय समझौते पर वियना में हस्ताक्षर किया। 1980 आज के ही दिन शकुंतला देवी ने 213 डिजिट के नंबरों का गुना किया और 28 सेकंड में सही उत्तर दे दिया। 1887 आज के ही दिन एम.एस. स्वामीनाथन को पहला विश्व खाद्य पुरस्कार मिला था। कंबोडिया के खेमर रूज के नेता और 20 लाख से ज़्यादा लोगों का हत्यारा माओवादी पोलपोट का आत्मसमर्पण 1997 आज के ही दिन किया था। 1999 आज के ही दिन 35 यूरोपीय देशों के बीच लंदन में पेयजल समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। लातविया में वाइके फ्रेब्रेमा को देश का नया राष्ट्रपति चुना गया। 1999 आज के ही दिन लंदन में पेयजल समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। वहीं 2001 आज के ही दिन पाकिस्तान के रक्षा बजट में कटौती
तालिबान ने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के खिलाफ लादेन का फतवा रद्द कर दिया था। 2003 आज के ही दिन गूगल ने इंटरनेट प्रोग्राम एडसेंस पेश किया। कब पेश किया? 2003 आज के ही दिन यानी 18 जून को। 2004 आज के ही दिन चाड के सैनिकों ने 69 सूडानी मलेशियाई को मार गिराया था। 2004 आज के ही दिन दक्षिण कोरिया ने अगस्त माह में इराक में सेना भेजने का निर्णय लिया था। 2008 आज के ही दिन केंद्र सरकार ने गुर्जरों को ओबीसी कोटे में 5% आरक्षण देने की घोषणा की थी। कितना? 5%। 2008 आज के ही दिन भारत यात्रा पर आए सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल हसद और प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के बीच 3 समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। 2008 आज के ही दिन फार्मा कंपनी रैनबैक्सी ने अमेरिका फार्मा कंपनी फाइजर के साथ पेटेंट विवाद को एक समझौते के तहत समाप्त कर दिया था। वहीं 2008 की बात करें, वियतनाम ने विश्व बाज़ार में आपूर्ति की स्थिति में सुधार के लिए चावल के निर्यात पर लगी पाबंदी को हटाई थी। 2009 आज के ही दिन इतिहास में दर्ज तारीख है। नासा ने चांद पर पानी की खोज के लिए टोही यान भेजा था। बढ़ते हैं आगे। 2013 आज के ही दिन इराक की राजधानी बगदाद में 2 आत्मघाती हमले हुए जिसमें 31 लोग मारे गए और 60 घायल हो गए थे। 2017 आज के ही दिन ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में पाकिस्तान ने भारत को हराकर खिताब अपने नाम कर लिया था। वहीं बात करें 2019 आज के ही दिन का, इंग्लैंड के कप्तान इयोन मॉर्गन ने एक पारी में 17 छक्के लगाकर रोहित गेल और डिविलियर्स का रिकॉर्ड तोड़ा। चौके छक्कों से 80% रन अकेले ही बना लिए थे। 2019 आज के ही दिन फेसबुक ने लिब्रा नामक एक डिजिटल मुद्रा की घोषणा की जो दुनिया भर में अपने अरबों उपयोगकर्ताओं को वित्तीय लेन देन करने की अनुमति देगा। 2020 आज के ही दिन कर्नाटक सरकार द्वारा समूचे राज्य में मास्क डे या मास्क दिवस मनाने की घोषणा की थी। 2020 आज के ही दिन 19वां महान जून विद्रोह दिवस ग्रेट जून अपराइजिंग डे मणिपुर के केकरुपत में मनाया गया। दोस्तों, ये था इतिहास में दर्ज प्रमुख घटना। अब देखते हैं कुछ प्रमुख व्यक्तियों का जन्म। 1817 आज के ही दिन जंग बहादुर का जन्म हुआ जो कि नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। 1852 आज के ही दिन यानी 18 जून सी विजय राघवाचार्यार का जन्म हुआ जो कि प्रसिद्ध राष्ट्रीय नेता के रूप में चर्चित हैं। वहीं बात करते हैं 1861 की, बाबू देवकीनंदन खत्री का जन्म हुआ था जो कि हिंदी के प्रथम तिलिस्मी लेखक थे। उन्होंने चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति, काजर की कोठरी, नरेंद्र मोहिनी, कुसुम कुमारी, वीरेंद्र वीर, गुप्त गोदान, कटोरा भर, भूतनाथ जैसी रचनाएं की। बात करते हैं 1887 आज के ही दिन अनुग्रह नारायण सिन्हा का जन्म हुआ था जो कि भारत के स्वतंत्रता सेनानी, एक शिक्षक, वकील, राजनीतिज्ञ तथा आधुनिक बिहार के निर्माता के रूप में जाने जाते हैं। 1899 आज के ही दिन दादा धर्माधिकारी का जन्म हुआ था जो कि प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, लेखक और गांधीवादी चिंतक के रूप में जाने जाते हैं। 1931 की अगर बात करें तो आज के ही दिन फर्नांडो हेनरिक कार्डोसो का जन्म हुआ था जो कि ब्राज़ील के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। 1931 आज के ही दिन K.S. सुदर्शन का जन्म हुआ था जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 5वें सर संघ चालक के रूप में जाने जाते हैं। बात करें 1958 की,
होमी डेरी मोतीवाला का जन्म हुआ था, जो कि नौकायन में भारत के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में जाने जाते हैं। वहीं 1987 आज के ही दिन इंग्लैंड के ऑलराउंडर क्रिकेटर मोइन अली का बर्मिंघम में जन्म हुआ, जो कि अभी इंग्लैंड के टीम में क्रिकेट खेलते हैं। दोस्तों, ये तो रहा कुछ प्रमुख व्यक्तियों का जन्म। अब देखते हैं कुछ प्रमुख व्यक्तियों का मृत्यु जो कि इतिहास में दर्ज है, जैसे कि 18 जून को हुए कुछ निधन। 1858 आज के ही दिन रानी लक्ष्मीबाई मराठा शासित झांसी राज्य की रानी और 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की वीरांगना, जो कि आज के ही दिन वीरगति को प्राप्त हुई। वहीं 1974 आज के ही दिन सेठ गोविंद दास की मृत्यु हुई, जो कि सेनानी, सांसद तथा हिंदी साहित्यकार के रूप में जाने जाते हैं। बात करते हैं 2002 की, तो आज के ही दिन नसीम बानो, जो कि हिंदी फिल्म की प्रसिद्ध अभिनेत्री के रूप में जाने जाते हैं। वहीं 2009 अली अकबर खां, जो कि प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार, शास्त्रीय गायक और सरोद वादक के रूप में जाने जाते हैं। वहीं 2012 अरुण प्रकाश का निधन हुआ, जो कि भारतीय साहित्यकार के रूप में प्रसिद्ध है। 2020 आज के ही दिन यानी 18 जून की, तो मशहूर मलयालम निर्देशक सच्चिदानंद का निधन हो गया, जो कि लंबे समय से दिल संबंधी बीमारी से जूझ रहे थे। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में सुझाव ज़रूर दें, और अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।